Hi students, good morning everyone. Student of class 6, today I study science, the first chapter. And the first chapter name is sources of food. जो हम भोजन प्राप्त करते हैं तो इससे प्राप्त होता है, हम लोग के पास कैसे आता है, कहाँ से आता है, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में जानकारी प्राप्त होगी। Now come to the point, start to discuss. लिखा हुआ है sources of food, यानी कि भोजन के स्रोत। ओके, लिखा हुआ है एनी एडिबल सब्सटेंस विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स यूजफुल फॉर द बॉडी ऑफ अ लिविंग बीइंग कैन बी कॉल्ड एज फूड। राइट, हम लोग भोजन बोल सकते हैं, भोजन कह सकते हैं उसको जो एक हम लोग को शरीर को जिंदा रखने के लिए एक अलग प्रकार का जो हमको न्यूट्रिएंट प्रदान करता है, उपयोगी पदार्थ प्रदान करता है, उसको ही हम लोग फूड बोलते हैं। कहने का मतलब एनी एडिबल सब्सटेंस, कोई भी खाद्य पदार्थ विच प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, यूजफुल फॉर द बॉडी, जो हम लोग के शरीर के लिए उपयोगी होता है, ऑफ अ लिविंग, जिसमें हम लोग जिंदा प्राप्त रहते हैं, जिंदा रहते हैं, जिससे हम लोग कैन डन फूड, इस जो भी हमें सब प्रदान करता है उसको हम फूड बोल सकते हैं। कहने का मतलब कि फूड का तो डिफिनेशन एक प्रकार से हो गया, लेकिन अब हम लोग को पढ़ना है सोर्सेज ऑफ फूड, यानी कि भोजन आता किससे है, कहां से हमें प्राप्त कहां से होता है। लिखा हुआ है प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फूड। कोई भी भोजन हो, कोई भी फूड हो, वो हम लोग को या तो प्लांट से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। तो हम लोग को जो मेन सोर्स होता है, जो मुख्य स्रोत होते हैं भोजन का, वह प्लांट्स और एनिमल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड। ये नोट्स है जिसमें लिखा हुआ है कि प्लांट्स को हम लोग मुख्य स्रोत बोलते हैं भोजन का। भोजन का जो मुख्य स्रोत है वह प्लांट्स है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोगों को भोजन प्राप्त नहीं होगा। अगर एक प्लांट्स और एनिमल दोनों है, मान लेते हैं दोनों है स्रोत, लेकिन एनिमल्स भी प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, आपको जाना जरूरी है। सो बिकॉज इसलिए हम लोगों को प्लांट्स मेन सोर्स होता है, सबसे जरूरी स्रोत होते हैं फूड का, बिकॉज जब तक प्लांट नहीं तब तक एनिमल नहीं। सो प्लीज सर्व द प्लांट, हेल्प कीजिए और पौधा लगाइए। आगे देखिए पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट्स एज प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड। अभी मैंने बताया था कि जो मुख्य स्रोत होते हैं, जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, सबसे मेन होते हैं, वो प्लांट्स ही होते हैं भोजन का। जैसे देखते हैं, लिखा हुआ है ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल्ड फूड प्रोड्यूसर्स। कहा है कि जो हरे पत्ते होते हैं पेड़ पौधे के, जो हरे पत्ते होते हैं वो फूड प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी कि मुख्य जो भोजन खाद्य उत्पादक होते हैं, भोजन उत्पादक होते हैं, जो लोग भोजन देते हैं, खाद देते हैं, वह पौधे के हरे पत्ते मुख्य होते हैं। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस ग्लूकोज, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसमें लिखा हुआ स्टूडेंट्स, जो हरे पत्ते होते हैं वो हम लोग को कार्बोहाइड्रेट या तो ग्लूकोज प्रदान करते हैं, और ये लोग बनाते कैसे इसको, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस नहीं बोलते हैं, आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें एक एक्टिविटी दिया हुआ है और आगे कुछ पढ़ाया हुआ है, जैसे दिया हुआ है क्रियल क्रॉप्स, अनाज के बारे में कुछ, पल्सेस दाल के बारे में, रूट ऑफ क्रॉप्स यानी कि वैसे भोज पदार्थ फसल जो हम जड़ से प्राप्त होती है, कुछ आगे लिखा हुआ है स्टीम क्रॉप्स तना से प्राप्त होती है, लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स फ्रूट्स, स्पाइसेस मसाले, सभी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग कुछ वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं, और आप लोग इस टॉपिक को नोट्स बना लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार में समझ में आया, वीडियो को दो बार देखिए, तीन बार देखिए, समझ में आएगा और इसको रिवर्ट कर लीजिएगा। वर्ड मीनिंग देखते हैं स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सब्सटेंस, सब्सटेंस का मीनिंग होता है पदार्थ, सोर्स लिखा हुआ है जिसका मीनिंग होता है स्रोत, प्राइमरी का मुख्य तो प्राथमिक बोल सकते हैं, और प्रोड्यूसर जो हम लोग उत्पादक जिसको बोलते हैं, लीफ विथ आप लोग जानते होंगे पत्ती, और सनलाइट जो की मीनिंग आपके लिए सूर्य प्रकाश होता है। तो स्टूडेंट्स आप लोग घर पे रहिएगा और इस वीडियो को एक बार न समझ में दो बार देखिए और नोट्स बनाइए और खूब पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।